मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कुल 1712 आंगनबाड़ी केंद्र, जिसे 3500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा कटनी जिले में ग्रामीण और शहरी परियोजना अधिकारियों, सुपरवाइजर, कार्यालय लिपिक, ऑपरेटर, ड्राइवर के साथ ही महिला बाल विकास विभाग प्रमुख DPO भी वेतन मिलने से वंचित हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने से मानदेय न मिलने से इनके घर का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कोई अपने जेवर गिरवी रखा है तो कोई 10% के दर पर ब्याज से कर्ज लेकर अपने घर के लिए राशन और जरूरतें पूरी करने को मजबूर है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां चल रही वो हमारे आंगनबाड़ी महिला बाल विकास कर्मचारी जो हम लोग है मानदेय कर्मी है हम लोग, और सबसे बड़ी विडंबना हमारी है कि विभाग के तो सारे काम ले रहे हैं, हर कामों के बजट पेश हो रहे, लेकिन हमारा बजट पेश नहीं हो रहा। आज 3 महीने हो गया, हमें कोई भी राशि प्राप्त नहीं हो रही है और काम हमसे भरपूर लिया जा रहा है। अन्य विभाग का भी करवाया जा रहा है, अपने विभाग का भी करवा रहा जा रहा है, लेकिन हमें 1 महीना 2 महीना तो हमने जैसे भी खींचतान करके चलाया कि चलो अपने गहने गुड़िया गिरवी रख के हमने अपने लड़के बच्चों की फीस भरी और खाना खर्चा चलाया, लेकिन अब हमारे पास में ना तो गैस की गुंजाइश है, ना अनाज की गुंजाइश है, ना किराने की गुंजाइश है। अब हमारे पास में कुल मिला के इच्छा मृत्यु के अलावा कुछ नहीं।